और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह मिल रही है कि 3 तारीख को रविवार को सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। अभी यह खबर आ रही थी कि कल शाम को हो सकता है, इसको लेकर कुछ हलचल भी थी, लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कल शाम नहीं बल्कि 3 सितंबर यानी कि जिस दिन चीन जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, उसी दिन सुबह 11 बजे के आसपास। हमारे साथ विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ चुका है। विकास, चीन जाने से पहले ही सुबह 11 बजे हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना में म्यांमार की यात्रा पर निकलना है शाम को 3 तारीख को, और इससे पहले 3 सितंबर को सुबह 11 बजे के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह के लिए की ऑफिसर्स को और राष्ट्रपति भवन को तैयारी करने की सूचना दे दी गई है। इस बारे में तमाम जो लॉजिस्टिक मूवमेंट होते हैं वो कर दिए गए हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो कागजी कार्रवाई होती है वो शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर ये तभी होता है जब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बात की सूचना राष्ट्रपति भवन को दे दी जाए कि वो फलानी तारीख को फलाने बजे शपथ ग्रहण समारोह करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में जो की ऑफिसर्स हैं और राष्ट्रपति भवन है उसको ये सूचना दी गई है कि 3 सितंबर को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो शपथ ग्रहण के लिए शपथ होती है उसके नए जो प्रिंट आउट हैं वो अब छपना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो शपथ ग्रहण के लिए विकास मंत्रिमंडल की तस्वीर को लेकर कुछ स्थिति साफ हो पा रही है, नए चेहरों को मौका, कितने मंत्री होंगे, कोई जानकारी अगर आपके पास? चेहरे इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई देंगे, मध्य प्रदेश से प्रहलाद पटेल और विनय सहस्रबुद्धे का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा आपको असम से हेमंत विश्व शर्मा जो कि वहां पर उप मुख्यमंत्री है उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है। इसके अलावा जेडीयू से 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के चुनावी जो राज्य हैं कर्नाटक, वहां से सुरेश अंगड़ी और शिव कुमार उदासी, ये लिंगायत समुदाय के नेता हैं और सांसद, लोकसभा सांसद हैं, इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल की जगह में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से प्रेम कुमार धूवल या उनके बेटे अनुराग ठाकुर, किसी एक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ये वो राज्य हैं जहाँ पर इस साल और अगले साल मार्च में कर्नाटक में चुनाव होंगे। चुनावी राज्यों के मद्देनजर भी इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर बड़ी बात यह है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, बड़ी बात यह है कि अब रविवार सुबह यानी कि 3 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम में चीन निकलना है उससे पहले सुबह 11 बजे के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।